चारों तरफ ब्लैक आइस है। यहाँ पे टायर्स जो है ना हल्के हल्के स्लिप कर रहे हैं। ओ भाई साहब क्या ये, ओ शिट, ओ भाई लगना जाए बाइक नीचे। ओ भाई देख रहे हो कितनी गहरी खाई है और नुकीले पत्थर हैं भाई सब सारे। ये देखो भाई क्या ही लैंडस्लाइड हो रखी है। ये देखो ये तो मैंने अभी बैकलाइट साफ करी है, नंबर प्लेट पूरा छुप चुका है। सो गाइज अभी का सीन कुछ ऐसा है ना, हम लोग सच पास तो पहुंच चुके हैं भाई, ऊपर इतने बढ़िया नज़ारे, चांद दिख रहा है इतना क्लियर और बादलों से आसमान पूरा सजा हुआ है। बट हमारे चैलेंजेस अब आने वाले हैं। ऊपर चढ़ाते टाइम पे कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि इंक्लाइन था भाई, नीचे उतारनी अब फुल ब्लैक आइस है, मतलब कुछ किलोमीटर तक ब्लैक आइस होने वाली है, फुल ऑफ रोड होने वाला है किलार तक। तो भाई ये जो 50 किलोमीटर होने वाले हैं ना वो बहुत ख़तरनाक होने वाले हैं, मतलब 50 नहीं 5 तो समझ के चलो, क्योंकि सच पास की तरफ ही बर्फ़ पड़ी हुई है। ये देखो पूरा बर्फ़ बर्फ़ है, ये देखो भाई पूरा ब्लैक आइस है, पूरा ब्लैक आइस। तो अब भाई चैलेंज ये है कि यहाँ से एक 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 करके बाइक हम निकालेंगे एंड उसके बाद देखते हैं भाई क्या सीन होने वाला है। ये देखो भाई सारे अपने अपने बाइकों पे फ़ोटो खिंचवा के साइड में लगा रहे हैं, बट चैलेंज ये है कि यहाँ से कैसे निकलेंगे। लेट्स सी, हमारे टायर्स स्पोर्ट्स वाले टायर हैं तो थोड़ा चैलेंज होगा, बट विल डू समथिंग। हर हर महादेव। तो भाई अभी का सीन कुछ ऐसा है, हम लोग निकल तो गए हैं बट बहुत ज़्यादा ब्लैक आइस है, देख रहे हो चारों तरफ ब्लैक आइस है। आपको दिखा देता हूँ मैं, ये देखो यहाँ पे टायर्स जो है ना हल्के हल्के स्लिप कर रहे हैं, बट यहाँ पे टेक्निक ये है कि इंजन ब्रेकिंग के साथ चलते रहना है, ठीक है, हल्का हल्का चलते रहना है, ठीक है। मैं तो भाई पहली बार स्कूटी की तरह, जैसे मतलब लड़कियां ब्रेक लगाती है ना वैसे ब्रेक लगा रहा हूँ मैं। जस्ट इमेजिन पैरों से, क्योंकि आगे वाली ब्रेक दबाऊंगा ना तो भाई पूरी स्लिप हो जाएगी और पीछे वाली दबाऊंगा तो पूरी गोल घूम जाएगी, तो इसीलिए हमें बहुत ही सावधानी से चलना पड़ेगा। ये जो पानी पे आ जाते हैं ना तो पानी ठीक है, बट ब्लैक आइस इज डिफिकल्ट ब्रो, वेरी डिफिकल्ट। राइट साइड में देखो फ्रेश स्नो। ओके भाई ये जो डाउन हिल होता है ना भाई बड़ा खतरनाक है, बड़ा ही खतरनाक। अब धीरे धीरे जो है बर्फ खत्म हो रही है, तो नाउ वी आर गुड टू गो। पीछे देखा था आपने कितनी ही ज़्यादा ब्लैक आइस, और नीचे दिखाऊं ओ बॉय पूरा सफ़ेद हो रहा है, पूरा सफ़ेद। ओ शिट यहाँ पे भी यार ये बड़ा ख़तरनाक सीन हो जाता है। बस यहाँ पे चलते रहो, जहाँ पे भी आपको लगे ना थोड़ी दिक्कत हो रही है वहाँ पे स्लो कर लो। हल्के हल्के भाई बहुत ज़्यादा स्लिप हो रही है। ओ भाई साहब भाई पैरों से रोक रहा हूँ मैं, पैरों को एज अ ब्रेक यूज़ कर रहा हूँ।
यहाँ पे इंजन ब्रेकिंग का कोई काम नहीं है भाई, क्योंकि इतनी फ्रीली नीचे भाग रही है ना, इंजन ब्रेकिंग रोक ही नहीं पा रही। सो वी हैव टू डील इट वेरी इंटेलिजेंटली, बहुत सोच समझ के हमें जो है काम लेना पड़ेगा। ये देखो, ओके, अब यहाँ पे थोड़ी बर्फ कम है बट ब्लैक आइस है, तो थोड़ा देखभाल के ही चलेंगे, ठीक है। ओ भाई साहब, अभी मुझे लगा ये गई। ऑलराइट दोस्तों, अभी हम थोड़ा नीचे तो आ चुके हैं। अभी का सीन कुछ ऐसा है, थोड़ी बर्फ कम हो गई है नीचे आते आते, बट बर्फ है। तो हम क्या कर रहे हैं ना, जो फ्रेश स्नो है बीच में उस पर चला रहे हैं, और उस पर ना थोड़ी कम स्लिप हो रही है। बाकी स्नो ख़त्म हो जाएगी तो भाई चलाने का मज़ा अलग आएगा, मतलब फिर पूरा ऑफ रोड ही होगा। नीचे हल्की हल्की स्नो है बट मेरे ख्याल से ऊपर जो होता है ना पासिस पे, वो पीक होता है, तो वहाँ पे जो है स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होती है। अभी यहाँ पे रोड्स जो है ऑलमोस्ट नॉर्मल हो चुकी है, तो इतनी बर्फ़ भी नहीं है, हम लोग कर लेंगे। देखो बीच बीच में हल्की हल्की बर्फ़ है, देखो उस तरफ कितनी ज़्यादा बर्फ़ है, पता नहीं रात में आपको दिख रहा होगा कि नहीं, बट देखो अपनी जिक्सर भाई इतना सब कुछ अगर परफॉर्म कर रही है ना, तो दिस इज़ नेक्स्ट लेवल। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, इतनी रात को ये राइड करना इट्स क्वाइट अ टास्क। 9:41 टाइम हो रहा है अभी, एंड जो चीज़ लोग दिन में करने में भी डरते हैं ना कि भाई सच पास तो बहुत ख़तरनाक है, वो चीज़ हम रात के 8-9 बजे कर रहे हैं। ओ भाई साहब क्या ये, ओ शिट, ओ भाई लग ना जाए बाइक नीचे, हल्की 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 हल्की, ओके ओके ओके, भाई ये क्या है, सीढ़ियाँ बनाई हुई है, ओके ओके उतर चुकी है। देखो बर्फ़ वैसे तो बोलने को बहुत ही बढ़िया होती है, बट अगर ये चाहे तो भाई ये आपका एक्सपीरियंस बहुत ख़राब कर सकती है। आज करने वाली थी बट बच गए, और अभी तो भाई ये कुछ भी नहीं है, ये ट्रेलर भी नहीं है, मतलब ये सोचो कि इसको वर्ल्ड्स डेंजरस रोड्स नहीं बोलते हैं। जो रोड्स हम कल फेस करने वाले हैं उस पर क्या होगा। ओके तो भाई खतरनाक पहाड़ों से हम लोग नीचे उतर के आ चुके हैं वापस, अब एक से एक खतरनाक नुकीले पत्थर वाले पहाड़ और बचे हुए हैं। ये देखो भाई अब हम फिर से ऊपर चढ़ रहे हैं, क्या ही खतरनाक रोड है भाई साहब, क्या ही खतरनाक रोड है, राइट साइड में तो देखने की हिम्मत नहीं है, खाई है भाई खाई। ये कहाँ आ गए हम तेरे साथ चलते चलते, देखो भाई रोड तो है ही नहीं। मैंने जट प्रभजोत सर जी की पूरी वीडियोस देखी, भैया इतना सब कुछ तो डाला ही नहीं उन्होंने, उन्होंने तो शाये शाये दिखाया कि ये देखो हमने ये कर लिया, ये देखो हम किलार पहुंच गए, ये देखो हम किश्तवाड़ पहुंच गए। भाई ये जो स्ट्रगल है जो हम स्पोर्ट्स बाइकों वालों को करना पड़ रहा है, ये तो आपने बताया ही नहीं सर जी कि यहाँ पे अगर आओगे आप R15 या फिर कोई भी फुल्ली फेयरिंग वाली बाइक लेके, तो भाई अपने आप को प्रिपेयर करके आना कि आपका स्टैमिना 100% यूज़ होने वाला है, चाहे आपने मेन रोड पे 10-10 घंटे 20-20 घंटे बाइक चलाई हो, बट ऑफ रोड में 5-6 घंटे बिल्कुल बराबर होते हैं,
10 से 15 घंटे बाइक चलाने के, क्योंकि यहाँ पे जो है ना एनर्जी लगती है बाइक को संभालने में, एंड रास्ता भी देखना पड़ता है कि भाई कहाँ से बाइक निकालें, कहीं कॉल वगैरह पे ना लग जाए, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, समझ रहे हो? अभी तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये पहली जिक्सर है भाई, और नाइट टाइम पे सच पास करना इतनी बर्फ़ में, सारे लोकल्स ने मना कर दिया था भाई, सारे लोकल्स ने, उन्होंने बोला कि हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि भाई आप लोग यहाँ पे रूम वूम ले लो, आपको सुबह निकलना चाहिए था। तो हमने बोला कि भाई क्या करें, ग्रुप में लेट तो हो ही जाता है। ओके भाई, कितना ही प्यारा लग रहा है, बादल भी हट चुके हैं, पूरा आसमान साफ हो चुका है, मेरे को भाई अपने आंखों से ना एक एक तारा दिख रहा है, क्या आप लोगों को भी दिख रहा है? कमेंट डाउन करके बताना। जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये पत्थर नुकीले नुकीले होते जा रहे हैं, और अभी भी हमें कवर करने हैं 27 किलोमीटर, दैट मीन्स 27। अभी भी ये किला आरतू किश्तवाड़ वाली रोड नहीं है, तो सोचो ये कितनी खतरनाक है। अगर वो रोड स्टार्ट हो गई तब सोचो क्या होगा। ये झरना हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। ए भाई भाई भाई, तुम मुझे लग रहा है गीला ही करके मानोगे। देखो हैंडलिंग में अभी तक कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बस ये है कि बहुत देर से हम चला रहे हैं तो वो थोड़ा पेनफुल एक्सपीरियंस है, रेस्ट ऑल इज़ गुड। बाइक की परफॉर्मेंस पे कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, देख रहे हो, आपको तो पता ही है, आप पूरा व्लॉग देख रहे हो कितने बजे से हमने स्टार्ट किया था, और अभी देखो ऑलमोस्ट 11 बजने वाले हैं, मुझे लग रहा है कि रात के 12 भी बज सकते हैं हमें किलार पहुँचते, अगर ऐसी रोड रही तो। ये देखो यार, मतलब ये कोई रोड नहीं है, ये तो हम सीधी सीधी पहाड़ से उतार रहे हैं भाई, मतलब लोग इसको रोड क्यों बोलते हैं, किलार तो किश्तवाड़ रोड, ये रोड तो है ही नहीं भाई, दिस इज ऑल माउंटेन, मतलब माउंटेन के बीच में हम लोग ऐसे बाइक जो है चला रहे हैं। अब देखो पानी पानी आ चुका है, सीरियस, अभी मैप जो चल रहा है ना वो सारा ऑफलाइन चल रहा है, क्योंकि डाउनलोडेड तो था नहीं, तो पहले से ही जो लोड हो रखा है वही चल रहा है। तो अभी जो ये रोड है इसको बोलते हैं टांडी टू किश्तवाड़ रोड, बट हमारा जो स्टे है डेट विल बी इन किलार, तो ये दिखा रहा है कि आगे जाओगे और आगे से ले लोगे लेफ्ट तो आ जाएगा किलार। ऑलराइट दोस्तों, अभी का सीन कुछ ऐसा है, फाइनली हमें पक्की रोड मिल गई है भाई, ऐसा लग रहा है कि इतने सालों बाद मिली है ना, मतलब हाथों में दर्द होना शुरू हो गया, इतना ऑफ रोड कर लिया है, इतना ऑफ रोड कर लिया है, 2 डंडी बच गए पेट्रोल, 827 किलोमीटर चला दिए हमने, और रात के बज रहे हैं 12:04, मतलब ये तो सुबह के हो गए, अर्ली मॉर्निंग, और अभी यहाँ पे दिखा रहा है अराउंड 29 मिनट्स, 12 किलोमीटर, तो लेट्स सी कितनी देर में हम लोग कवर करते हैं, बाकी अभी अंधेरा ही है चारों तरफ। दोस्तों अभी का सीन कुछ ऐसा है, कल रात को हम यहाँ पे पहुँच गए थे सूजी लैंड होम स्टे, एंड ये देखो भाई हमारी बाइक्स नीचे खड़ी हैं, बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है, मैं आपको टेल दिखाऊंगा ना, मतलब नंबर प्लेट तो पूरा छुप चुका है, अभी दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये तो मैंने अभी बैकलाइट साफ़ करी है, नंबर प्लेट पूरा छुप चुका है, इतनी मिट्टी की जड़ में हम लोग चला के आए हैं, देखो। ऑल राइट, गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है 11:16, कोल्ड स्टार्ट कर लेते हैं, पेट्रोल कम है आज अपनी बाइक में, और हमें चलना है अभी 114 या 115 किलोमीटर्स यहाँ से। भाई धूप आज बहुत अच्छी निकल चुकी है, कल भाई इतनी ठंड से हम लोग आए थे ना तो हालत ख़राब हो गई थी, बट लेट्स सी, आज हम यहाँ पे रुके हुए थे पांगी में, तो निकलते हैं आगे भाई, मौसम तो अच्छा ही हो रहा है, हवा लगेगी ठंडी ठंडी, आज हमें जाना है वर्ल्ड डेंजरस रोड्स, दैट इज़
किला टू किश्तवाड़, ये एग्जैक्टली किलाड़ है, नीचे किलाड़ है, ऊपर पांगी है, एंड हम यहाँ से निकलने वाले हैं किश्तवाड़ की तरफ। तो लेट्स गो, क्लिफ हैंगर चलते हैं। ऑलराइट दोस्तों, हम लोग रोड पे जो है निकल चुके हैं। यहाँ से किश्तवाड़ जो है 115 किलोमीटर रह गए, तो 115 किलोमीटर दो डंडी पेट्रोल में क्या जा पाएगी हमारी बाइक? बाकी सबकी बाइक्स में पेट्रोल है, उन्होंने एक्स्ट्रा पेट्रोल भी लिया हुआ है बॉटल्स में, बट मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लिया है। तो भाई देख लो, क्योंकि इन्होंने ना फुल भी करवाया था पहले एक जगह, और मैंने फुल नहीं करवाया था, तो इसीलिए थोड़ा सा सीन ऐसा है कि अपनी बाइक को आज अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, एवरेज अच्छी देनी पड़ेगी। 115 किलोमीटर दैट मींस अगर 35 की भी एवरेज दे तो हमें कम से कम, नहीं तो 3 लीटर तो चाहिए ही चाहिए होगा, 3 से 4 लीटर, और 2 पॉइंट है, इतना तो होना ही चाहिए। अगर ये हो गया ना भाई, सब जल जाएंगे भाई, जल जाएंगे लिटरली। में इतना अच्छा एवरेज कोई बाइक नहीं दे रही है हमारे पूरे ग्रुप में, जबकि KTM भी आ रखी है 250 cc वाली, वो भी इतना अच्छा एवरेज नहीं दे रही है। बाकी रोड्स आर गुड एज ऑफ नाउ। वर्ल्ड की डेंजरस रोड्स में हम लोग जैसे एंटर करेंगे तब आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। अभी देखो भाई, इन पहाड़ों को एंजॉय करो, नज़ारे एंजॉय करो। वो देखो ऊपर भाई, स्नोफॉल हो रखी है, कल हम उसी स्नोफॉल से ही तो आए हैं। ओ भाई देख रहे हो कितनी गहरी खाई है, और नुकीले पत्थर हैं भाई सब सारे। ये देखो भाई, क्या ही लैंडस्लाइड हो रखी है। अभी टेम्परेचर इतना बढ़िया हो रहा है ना कि मतलब क्या ही बताऊँ, कल रात को इतनी ठंड हो रखी थी और आज टेम्परेचर बहुत ही मस्त हो रखा है।